हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अपडेट्स बिहार में। आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एंड आज हम बात करेंगे, आपके लिए लेकर आ चुके हैं बूमिस ट्रेंड, जिसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो चाय कॉफ़ी लेके बैठिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। तो बात करेंगे हम आज बूमिस ट्रेंड के बारे में, सारी डिटेल्स बताएंगे कि बूमिस ट्रेंड की हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, एंड आपका सेटिंग्स करने के लिए मैं क्या क्या चीज़ों का ध्यान में रखना है और किस किस तरीके से हम इसे सेफ्टी रीजंस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या हमें इसमें सेफ्टी रखनी चाहिए, जिससे कि आगे इस चीज़ में कुछ इश्यू ना क्रिएट हो। तो बात करेंगे हम बूमिस ट्रेंड के बारे में, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें इसमें फीचर मिलने वाले हैं। तो अभी हमने फ़िलहाल लगाया हुआ एक स्क्रीन, जिसके अंदर आप देख भी सकते हैं फ़िलहाल KB9012A3 हमने इसमें रखी हुई है IO। एंड हाइट के बारे में बात करेंगे, एंड अभी फ़िलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दिखाता हूँ बूमिस ट्रेंड के बारे में, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। फिलहाल मैं लाइटें बंद कर देता हूँ क्योंकि कैमरे पे फोकस नहीं हो पाता है प्रॉपर जी। तो जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि फुल्ली ब्लैक कलर आपको माइक्रोस्कोप मिला हुआ है एंड पूरा प्रीमियम क्वालिटी में है। आप देख भी सकते हैं सभी चीज़ें A to Z जेन्युइन क्वालिटी की मिलेंगी। एंड बात करते हैं हम इसके अंदर आपका माइक्रोस्कोप की, तो इसमें माइक्रोस्कोप लगा हुआ है फिलहाल मैकेनिक का RX 510, जिसका मतलब है कि आपका 51 मेगापिक्सल HDMI कैमरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं HDMI 1920x180 60fps। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं सारी चीज़ें इसमें आउटपुट है, वीडियो आउटपुट 4K में मिलेगा आपको, TFT कार्ड है, मैक्सिमम जो है 64GB तक सपोर्ट करेगा। ऑन ऑफ का इसमें फीचर्स दिया हुआ है, आप ओके मीनू डाउन एंड आपका मॉडल AE LED स्लाइड दिया हुए हैं। यहाँ पे इसमें आपको मिलने वाला है IR सेंसर, मैं आपको दिखा भी देता हूँ जी हाँ। तो हम बात कर रहे थे तो इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ों की मिलने वाला है, तो 0.5x का लेंस इसमें मिलने वाला है एंड रिंग लाइट्स मिलेगी एंड स्टैंड इसका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हैवी क्वालिटी में। मैं आपको एक काफ़ी दूर से एक आपको एक फ़ोटो शेयर कर देता हूँ, ये देखिए सेटअप, PSD मैट्स वगैरह हैं, काफ़ी सारी इसमें एसेसरीज़ भी मिलने वाली है। क्या क्या चीज़ें हम एसेसरीज में दे रहे हैं, आई कैप्स है, डस्टिंग के लिए इसके नया कैप आया है। तो वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, आप आराम से बैठिए, सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इसके अंदर आपको रिमोट भी मिलने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको कैमरे में दिखाता हूँ, इसमें आपको ये फुल HD वाला रिमोट भी मिलेगा एंड इसके अंदर आपको मिलने वाला है 0.5 का लेंस एंड आपको एक मिलने वाली है इसके अंदर रिंग लाइट। तो ये रिंग लाइट भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है एंड पहले इसमें काफ़ी पुराना एक दूसरा मॉडल आता था, मैं आपको वीडियो के अंदर शेयर कर देता हूँ, जैसा कि आप वीडियोस में देख रहे हैं कि इसमें आपको ये वाला पहले मॉडल मिलता था एंड अब जो नया मॉडल आया है वो ये वाला मॉडल आ गया है। तो इसमें भी हम बात करते हैं, दूसरा इसमें आपको काफ़ी तरीके के इसमें लेंसेज मिलने वाले हैं, जैसे कि अभी फिलहाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 0.5x का लेंस मिलने वाला है, इसके अंदर आपका 0.3 एंड 0.5 और 0.7 तीन तरह के इसमें लेंसेज मिलने वाले हैं। बट बाद हम जो सबसे मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो आपका 0.5 ही यूज़ करते हैं। तो किस किस तरीके से इसे सेटिंग्स में हम चेक करेंगे, किस तरीके से हम इसे सेट करेंगे, तो सेटिंग्स भी हम देख लेते हैं। मैं इसे कैमरे को एक बार सेट कर देता हूँ एक जगह, फिर हम आगे के ऑप्शन चेक करेंगे। तो जैसे कि आप सभी ने देखा, हमने सारी चीज़ें सेटिंग्स दिखाई हैं और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी हम माइक्रोस्कोप भेजते हैं तो टेक्नीशियंस जो हैं, जो हमारे भाई हैं, वो ये कहते हैं कि सर सेटिंग्स नहीं हो पा रही, सेटिंग का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें रहता है। अभी काफ़ी मेंबर्स पूछते हैं कि सर इसके अंदर आयरन नीचे, हम इसके नीचे आयरन हम यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते, हॉट गन हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कि किस किस तरीके से आप क्या सेटिंग्स करें। सब भी चीज़ इसका खेल सेटिंग का ही है और कुछ भी नहीं होता इसके अंदर, बाकी आप जैसी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी लेंगे वो आपको सबसे ज़्यादा फ्यूचर में आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अभी करते क्या, मार्केट्स में आपको सस्ते माइक्रोस्कोप मिल रहे हैं काफ़ी, ठीक है, तो उसके अंदर क्या रहता है कि हिडन चार्जेस रहते हैं, हिडन पार्ट्स रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर आज करने वाला हूँ। तो देखिए इसमें दो वेरिएंट आते हैं, तो इसमें आपको मिलने वाले हैं दो वेरिएंट के अंदर आपको कलर ऑप्शन क्या मिलता है, एक आपको मिलता है ब्लैक और एक मिलता है इसके अंदर व्हाइट कलर। तो अभी हम बात कर रहे हैं ब्लैक कलर की, तो यहाँ से आप इसे आगे पीछे आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बाकी इधर से आप इसे कर सकते हैं एडजस्ट, यहाँ से एडजस्ट होगा
एंड दूसरा यहाँ पर एक ये नॉब दिया हुआ है, इससे आप इसे अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर बेस में से नीचे तक कितना ले जा सकते हैं, एंड यहाँ से आप इसे फुल ऊपर तक लेके जा सकते हैं। अगर हमें इसे और भी नीचे लेके जाना है तो हम यहाँ से इसे डाउन, इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद, लूज़ करने के बाद ये आपका डाउन सेक्शन में चला जाएगा। बात करते हैं हम माइक्रोस्कोप की, तो माइक्रोस्कोप के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका 51 मेगापिक्सल FHD कैमरा है, जिसके अंदर आपको रिमोट सेक्शन के साथ दिया हुआ IR ऑप्शन के साथ। ये आपका CTV हो गया, दूसरा आपका माइक्रोस्कोप एंड आपका 0.5x का लेंस और आपका रिंग लाइट। तो बात करते हैं हम कुछ और के आगे के बारे में। तो सेटिंग्स की मैं बात कर रहा था आपसे, तो आईपीस अगर आपको आईज से देखना है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सेटिंग होती है। तो आप यहाँ से अपनी एडजस्टमेंट के हिसाब से आप यहाँ पर कम कर सकते हैं, और अपनी आंखों के हिसाब से होता क्या है कि जैसे टू आईज रहती हैं तो दोनों आंखों के हिसाब से कि किसी का देखने की क्षमता जो है वो किसी में कम रहती है किसी में ज़्यादा, तो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी आप इसे इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ से आपको मैंने जैसे ये भी दिखाया कि यहाँ पर आप इसे अप डाउन करेंगे, और ये आपका होता है माइक्रोस्कोप की जूमिंग के लिए, आपको जूम इन और जूम आउट के लिए आप यहाँ से मैनुअल दो साइड से होता है इसमें। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में भी दिया हुआ है एंड राइट साइड में। आप अगर राइट साइड से, अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आप इधर से यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट हैंडेड है, अब मतलब डिपेंड करता है आपके यूज़ के ऊपर कि आपको किस तरीके से, एक साइड इधर से भी कर सकते हैं और इस साइड से, तो दोनों साइड एक ही है एंड टू साइड दिया हुआ है। तो इसे हम यूज़ करने के बारे में बात करते हैं, अभी हम फिलहाल क्या सेटिंग्स में हैं तो मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने इसे कर दिया सबसे ऊपर, ठीक है। मैं अभी हमने जो आपके माइक्रोस्कोप की सेटिंग फिलहाल है मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो अभी हमने फिलहाल किस तरीके से इसे सेट किया हुआ है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिखाता हूँ कि कितना हाइट पे ये है और किस तरीके से इसकी सेटिंग दिखाएंगे। तो अभी मैं फिलहाल इसे कर लेता हूँ ऑन। हमने एक इसमें लगाई हुई है लाइट, ये सनशाइन की ओरिजिनल लाइट है, मैंने इसे यहाँ पर लगाया बैक साइड में, और मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। एंड बात करते हैं अभी फिलहाल माइक्रोस्कोप ऑन कर लेते हैं। सॉरी ऑफ हो गया, मैं इसे माइक्रोस्कोप को एक बार ऑन कर लेता हूँ। तो जैसे कि इसमें आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं मैकेनिक का ओरिजिनल है, तो मैकेनिक यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, सिंस 1938। एंड बात करते हैं हम सेटिंग्स की, तो सॉरी जी, देखिए अभी फिलहाल मैं कर लेते हैं इधर इस साइड, जी हाँ, तो हम इसे कर लेते हैं थोड़ा सा डाउन साइड में, मैं एक बार सेट कर लेता हूँ इसे। कर ली, चलो तीन। तो अभी हमने फिलहाल क्या क्या सेटिंग की हुई है देखिए, मैंने इसे कर दिया टॉप में बिल्कुल इसे अप साइड, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, तो स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं A to Z एक एक पिन आपको बिल्कुल क्लियर नहीं नजर आएगा, एक एक पिन जो कि आप नॉर्मल लेंसेज से नहीं देख सकते हैं। इसका यही बेनिफिट्स है, आप ऊपर की साइड देख सकते हैं। देखिए अगर आप नॉर्मली आईज से देखेंगे तो ये आपको बहुत ही टफ लगेगा, लेकिन अगर आप इस माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, एक पिन आप इसकी हल्की सी बेंड है तो आप इजीली सब कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे बिल्कुल प्योर एकदम परफेक्ट, आप चेयर पे आराम से बैठिए परफेक्ट दिखेगा आपको, कोई भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, एंड आईज पर आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बेनिफिट्स इसके क्या है, कॉस्टली है लेकिन बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि आप जो है आंखें नहीं दोबारा परचेज कर सकते, क्यों, क्योंकि आपकी नेचुरल आईज हैं एंड ये आपको आपकी आंखों का इश्यू होने से भी बचाएगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन में आपको प्योर क्वालिटी मिल रही है। बात करते हैं हम हाइट्स के बारे में, तो हाइट को मैं ले लेता हूँ एक स्केल, फिलहाल मैं कर देता हूँ इसकी लाइट ऑफ क्योंकि लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से प्रॉपर दिखता नहीं है, एंड मैं इसे भी बंद कर देता हूँ। अभी हमने फिलहाल कितना हाइट ली हुई है इसकी, तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो मेरे पास है स्केल,
स्केल के बिहाव पे हम इसे चेक करेंगे कि यहाँ पर आपका आ रहा है लेंस के हिसाब से 21, तो 21 सेंटीमीटर हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब कि 8 इंच से आपका ऊपर ही रहेगा। ठीक है, सेटिंग्स में आपका यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा देखते हैं हम कितना हमने यहाँ पे किया हुआ है, तो हम बेस से इस्तेमाल के यूज़ करते हैं एंड ये आपका हो गया कितना 16 सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ पर रखना है इसके बेस पे 16 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर रखेंगे आप एंड यहाँ पर आप रखेंगे कितना 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर आप यहाँ पर रखेंगे और 16 आप यहाँ रखेंगे, तो आपको परफेक्ट एकदम नज़र आएगा, आइस से भी आप इसमें देख सकते हैं। बात करते हैं हम हैंडल की कि आयरन हम इसमें इजीली यूज़ कर सकते नहीं है या नहीं कर सकते, तो डस्ट प्रूफ है, कैप लगी हुई है, जैसे कि आप आवाज़ भी सुन रहे हैं, तो इस लेंसेज के अंदर कैप लगी हुई है जिससे कि आपके अगर सेटअप पे डस्ट का भी इश्यू रहता है तो वो डस्ट जो है धुआं जो होता है स्मॉक वगैरह उसकी वजह से वो लेंसेज पे नहीं लगेगा और आपको माइक्रोस्कोप पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करते हैं हम आयरन की, तो आयरन आप इजीली इसमें, क्योंकि कभी भी आयरन आप ऐसे तो चलाओगे नहीं, तो मेरे पास अभी फ़िलहाल डिजिटल आयरन डिजिटल मीटर के साथ। ठीक है, तो बात करते हैं हम, ये देखिए आप इजीली इसे इसके नीचे आप किसी भी तरीके से कैसे भी एंगल में, क्योंकि आप ऐसे तो खड़ा करके चलाओगे नहीं इसे, तो आप इसे बेंड करके चलाएंगे, तो आयरन इजीली से आप यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं हम हैंडल की, आप हॉट गन मशीन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हॉट गन भी आप इजीली बड़े आराम से आप इसमें इजीली यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है इसका कि इसमें डस्ट का जो है वो कवर लगा हुआ है, तो इससे आपको माइक्रोस्कोप के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से इसमें आपको क्या क्या चीज़ और मिलेगा। तो एक आपको माइक्रोस्कोप, ये आपका जैसे आप यहाँ पे अपने मॉनिटर से आप कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें आपकी इच्छा है कि आप ऑप्शन मिलता है इसके अंदर, आप जितना भी बड़ा स्क्रीन लगा सकते हैं, आप इसमें 15.4 इंच जैसे मैंने अभी लगाई हुई है, आप 32 इंच भी लगा सकते हैं, 64 इंच भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर बात है कि आप कितना बड़ा सेटअप है आप इसे देखना चाहते हैं। तो इसके साथ आपके पास ही ये आपको प्रिंटर टाइप केबल आती है USB 2.0, ये भी इसके थ्रू भी आप माइक्रोस्कोप कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं अपने, एंड वहाँ पर आप रिकॉर्डिंग्स वगैरह और सारी चीज़ें सेट जो आप इस पर देख रहे हैं वही आपको ड्यूल स्क्रीन एक आपके कंप्यूटर पे भी मिल जाएगी, तो ये भी आपको एक अच्छा बेनिफिट्स मिलने वाला है इसके अंदर। बात करते हैं हम कुछ और अभी इसके ऊपर, तो मैं आपको कुछ और थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे इसमें अच्छी क्वालिटी मिलने वाली है। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि सेटअप पे अगर आपको लाइट का इश्यू चलता है तो आप सनशाइन की ओरिजिनल लाइट लीजिए, आप सनशाइन की, मैं इसका मॉडल नंबर है SS804, ये फुल्ली मैग्नेटिक है एंड कहीं पर भी फिट हो जाएगी। ये देखिए आप किसी भी बिहाव पे किसी भी एंगल में आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, क्वालिटी बहुत A1 प्रीमियम क्वालिटी है। तो इसे हमने फिलहाल लगाया है बैक साइड में एंड इसे हम लगाते हैं इधर जिससे कि काफ़ी अच्छा लाइट ग्लो एंड बिल्कुल परफेक्ट नज़र आए। तो बात करते हैं हम कुछ और देखने के लिए, तो मैंने भी इसे देखिए सनशाइन वाली लाइट ऑन की है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पिंस वगैरह के भी। तो अगर मैं इसे डाउन भी करता हूँ, यहाँ पर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं, तो आप यहाँ से आपको जैसा भी अच्छा लगे आप जिस हिसाब से भी देखना चाहते हैं। जैसे कि मैं एक इस IC के बारे में बात करते हैं, तो IC को अगर हम देखना चाहें तो आप इजीली ISL6255AHRZ आप बड़े आराम से, आपको कुछ भी मतलब इतना दिक्कत नहीं होगी सेटअप पे यूज़ करने में। तो जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, जैसे कि ये MOSFET लगा हुआ, अभी थोड़ा ब्लर है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं इसे। देखिए 4232BZM10120Z25Z, तो मैंने आपसे बताया भी था कि आप इजीली इस पे वर्क कर सकते हैं, हॉट गन बिल्कुल आप इसके नीचे आ जाएगी एंड आप बड़े आराम से आप इसे हिट करके इसके साथ भी आप काम कर सकते हैं। तो आपकी कोई और क्वेरीज हैं, किस तरीके के आपको क्वेश्चंस हैं, आपके अगर कोई और प्रोडक्ट्स चाहिए तो आपके कमेंट्स के हिसाब से हम ज़रूर आपको बताएंगे
एंड कोशिश करते हैं कि आप इस वीडियो से सेटिस्फाइड हैं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। 3 ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों को शेयर कीजिए, जिससे वे भी इस चीज़ से बेनिफिट्स मिल सके एंड नए नए आपको प्रोडक्ट्स मिलते रहें। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़्यादा कीजिए, एंड जिससे कि हमें भी अच्छा लगता है कि जब आप हमें लाइक शेयर करते हैं। तो वीडियोज़ में आपको कंटेंट कैसा लगा, प्रोडक्ट कैसा लगा, क्वालिटी कैसी लगी, आप अपने सुझाव जरूर लिखिए। मिलते हैं आपसे नए प्रोडक्ट के साथ। अगली वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगा कि इसमें आपको असेंबल डिसेंबल किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हम इसमें पैकिंग करेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, नए नए प्रोडक्ट्स आपके लिए लेकर आने वाले हैं। इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं आपसे नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।